ये उस समय की बात है जब मेरी ज़िंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया था जिसने मुझे पूरा तोड़ के रख दिया था। उससे बिछड़ने के बाद जैसे मेरा पूरा दुनिया ही उजड़ गया था। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे पैरों को नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। मैंने जैसे अपने आप को ही खो दिया था। मैं बहुत शांत स्वभाव का था लेकिन उस समय मुझे बहुत गुस्सा आने लगा। मैं जैसे अचानक से बदल ही गया। मैंने अपने आप को खो दिया था। मैं जैसे इस दुनिया में अकेला सा हो गया था। कुछ भी नजर नहीं आ रहा था मुझे, कुछ भी नहीं। ये दुनिया मुझे धुंधला सा लग रहा था। जिंदगी में पहली बार मुझे गम का एहसास हुआ था। दिन बीतते गए लेकिन मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं आया। मेरे अंदर जैसे कोई उथल पुथल मच गई थी। उस समय मैं बिल्कुल अकेला था, बिल्कुल अकेला। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं इस दुनिया से बहुत पीछे चल रहा हूँ। मैं जैसे थम सा गया था, मेरा वक्त जैसे थम सा गया था। दिन ब दिन मेरे हालात बद से बदतर होते गए। मैं हर रोज अपने आप के अंदर ही मर रहा था। मुझे ये और बर्दाश्त नहीं करना था। तंग आ गया था मैं इस जिंदगी से। हर रोज मैं अंदर ही अंदर मर रहा था मैं अंदर ही अंदर। जीने के लिए और कोई वजह ही नहीं बचा था। अब और नहीं भागना था मुझे इस जिंदगी से। बहुत भाग लिया, अब और नहीं भागना था। ऐसा जिंदगी मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे ऐसा जिंदगी। और उसी समय मुझे एक दोस्त ने रोक लिया। मैं रोने लगा मैं, पर उसने मुझे कहा, इफ समवन कैन वॉक अवे फ्रॉम योर लाइफ लेट देम वॉक अवे, यू शुड नॉट हैव टू कन्विंस एनीबॉडी टू लव यू।
दे कैन वॉक अवे, लेट देम गो इफ दे लीव यू, दैट मीन्स दे आर नॉट अटैच्ड टू योर फ्यूचर। और मैंने आंखें बंद किया और अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगा। बहुत कुछ दिखा मुझे, बहुत कुछ।